सभी को स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काफी महत्वपूर्ण जो है आपके लिए होगा। तो आज हम आपको मैथ से रिलेटेड कुछ संख्याओं का खेल बताएंगे, संख्याओं का खेल। आप अभी जुड़े हुए हैं स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको एक से सौ तक का टेबल यानी जिसको हम लोग पहाड़ा बोलते हैं सिखाएंगे। आप आसानी से मात्र पांच मिनट में आसानी से एक से सौ तक का टेबल लिख सकते हैं। ऐसे हर कोई, आप सभी जो है एक से बीस तक का टेबल जो है आसानी से लिख सकते हैं। बट 21 से 100 तक मैं आपको टेबल बताऊंगा, वो भी मात्र पांच मिनट में। तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप मात्र पांच मिनट में आप 21 से लेकर यानी 1 to 100 तक का टेबल आसानी से लिख सकते हैं। एक्चुअली टेबल का जो है काफी महत्व है। आप यदि मैथ का कोई भी प्रश्न सॉल्यूशन करते हैं, एरिजनिंग का सॉल्यूशन करते हैं, तो आपको उसमें पहाड़ा की टेबल की आवश्यकता पड़ती है। तो हर कोई जो है एक 1 to 20 तक का टेबल आसानी से लिख सकता है, बट उसे जब 21 to 100 तक जाना पड़ता है तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग जानते भी होंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं टेबल की ओर। तो मान चलिए टेबल हमको लिखना है। सबसे पहले मैं आपको वन डिजिट का, तो आप टेबल आसानी से लिख सकते हैं। वन डिजिट में आपका 1 to 9 तक आता है, इसमें तो कोई परेशानी किन्हीं को नहीं होगा। तो मैं चलता हूँ 2 digit का, आपको 2 अंकों का पहाड़ा कैसे आसानी से लिखेंगे उसको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ 13। यदि आपको 13 का टेबल लिखना हो, 13 का टेबल लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे, आसानी से इजीली कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले मैं 1 का टेबल लिख देता हूँ। कितने का टेबल लिख देता हूँ? 1 का टेबल लिख देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद जो है आपका 10 जी। और इसके बाद 3 का टेबल लिख देता हूँ। 3 का टेबल भी आप जानते होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, इसके बाद आपका 18, 21, उसके बाद 24, उसके बाद 27, उसके बाद 30। अब हमको बनाना है 13 का टेबल। तो 13 का टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 1 digit है, यहाँ से आपका 2 digit आ रहा है। यहाँ इकाई भी है और इसमें दहाई भी है, इसमें भी इकाई है और इसमें भी दहाई है। तो कुछ में इकाई और दहाई का जो है आपका समावेशन किया गया है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसको इकाई को सबसे पहले लिख देंगे 3, उसके बाद 6, उसके बाद जो है आपका 9 हो गया, इसके बाद इकाई 2 हो गया, उसके बाद जो है आपका 5 हो गया, उसके बाद जो 8 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 7 हो गया और 0 हो गया। अब इसमें भी इकाई, इसमें टोटल आपका इकाई है, तो 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, यहाँ जो है 3 लिख देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ इकाई और दहाई 2 digit था, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ये 5 हम लिख चुके हैं, 5 1 क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। 8 को हम लिख चुके हैं इकाई को, तो 6 और 1 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आपका 7 हो जाएगा। 1 इकाई को लिख दिए हैं, 7 और 2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ हम 4 को तो लिख चुके हैं, 8 और 2 को ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा। फिर 7 इकाई को हम लिख चुके हैं, यहाँ दहाई 2 है और इस प्लस 9 को ऐड कर देंगे, 117 हो जाएगा। ये 0 को हम लिख चुके हैं, दहाई 3 है और इस 10 को ऐड कर देंगे, 13। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है आपका 13 का पहाड़ा इजिली बन गया। अब चलिए, अब इसी तरह हम आपको बताते हैं, यदि हमको 24 का टेबल बनाना है, 24 का टेबल, टेबल ऑफ 24, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का टेबल लिख देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद 4 का टेबल लिख देंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, उसके बाद आपका हो गया 32,
उसके बाद आपका हो गया 36, फिर हो गया आपका 40। तो अब हमको चूंकि बनाना है 24 का टेबल, तो 24 ये इकाई को लिख देंगे, और यहाँ भी वन डिजिट है, तो वन डिजिट में हमको कोई चेंज नहीं करना है, जैसे दोनों को सजा कर लिख देना है। यहाँ भी वन डिजिट है 8, यहाँ भी वन डिजिट है 4, इसके बाद वन यहाँ 2 है, यहाँ आ गया 2 डिजिट। तो ये इकाई को हम लिख देते हैं, और इस दहाई को हम इसके साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 6 1 क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। फिर 6 यानी 6 को लिख देंगे, 8 और 1 को ऐड कर देंगे, 9 हो गया। फिर 0 को लिख देंगे, 10 और 2 को यहाँ ऐड कर देंगे सीधे, तो ये हो गया आपका 12 हो गया। इसके बाद जो है आपका 4 को लिख देंगे, 12 और 2 को ऐड कर देंगे, 14 हो गया। फिर इसके बाद 8 को लिख देंगे, 14 और 2 को क्या है ऐड कर देंगे, तो आपका 16 हो जाता है। फिर इसी प्रकार 2 को लिख देंगे, इकाई को तो हमको लिखना है ऑलरेडी, कोई उसमें परिवर्तन नहीं करना है, केवल दहाई को पिछले वाले के साथ क्या करना है, ऐड करना है। 16 3 आपका 19 हो गया। फिर आपका 6 हो गया, 18 और 3 को ऐड करेंगे, 21 हो जाएगा। फिर आपका 0 तो इकाई है लिखा जाएगा, और 20 और 4 को ऐड करेंगे, 24। ये देखिए ये आपका कितना ईजी से आपका 24 का जो है टेबल कंप्लीट हो रहा। इस प्रकार आपका 24 का टेबल कंप्लीट हो गया। चलते हैं, अब मैं आपको लिखना है यदि 32 का टेबल लिखना है, 32 का टेबल लिखना है तो कैसे हम टेबल को लिखेंगे, क्योंकि टेबल का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप मैथ या रीजनिंग कोई भी सब्जेक्ट का सोल्यूशन करते हैं तो उसमें टेबल का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान आता है। इसमें पहले 3 का टेबल लिख देंगे, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। इसके बाद 2 का टेबल लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16, उसके बाद है आपका 18, उसके बाद जो है आपका जे, इसके बाद आपका हो जाएगा 20। तो अब हमको क्या करना है, पहले जैसे बताए हैं, पहले जो हम आपको क्रिया बताए हैं उसी प्रकार से हमको क्रिया को करना है। पहले इकाई को लिख देंगे और इसके भी इकाई को लिख देंगे, फिर इकाई 4 हो गया, 6 हो गया, क्योंकि वन डिजिट है तो कोई चेंज ही नहीं करना है। 6 हो गया, ये आपका 9 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 12 हो गया। अब देखिए यहाँ स्टार्ट होता है 2 डिजिट, तो यहाँ 0 को पहले इकाई वाले स्थान को लिखेंगे, और जो 1 बचता है, दहाई जो बचता है, उसको इसके साथ जो है ऐड कर देंगे। तो 15 एक कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा जी। उसके बाद आपका यहाँ भी 2 है इकाई, उसके बाद 18 एक कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 है, 4 इकाई को लिख देंगे, और ये 21 को 1 के साथ ऐड कर देंगे, 22 हो जाएगा। फिर 6 को लिख देंगे, 24 को 1 के साथ ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर ये आपका 8 हो गया, और 27 को 1 के साथ ऐड कर देंगे, 28 हो गया। फिर 0 हो गया, 30 2 32। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका 32 का टेबल कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम किसी भी अंक का टेबल लिख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। यदि आपको 82 का टेबल लिखना है, 82 का टेबल लिखना है, एक्चुअली मैंने पहले ही बता दिया कि आप इस मेथड से 1 से 100 तक के टेबल को आसानी से लिख सकते हैं। तो पहले 8 का टेबल लिख देंगे, 8 16 24 32 40, उसके बाद हो गया आपका 48 56 64 80। इसके बाद 2 का टेबल लिख देंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16, यहाँ देख सकते हैं 8 16 24 32 40 40 56, यहाँ 60 होगा, सॉरी यहाँ 60 छूट गया था, 60 के बाद आपका 64 होगा, तब उसका जो होगा उसके बाद जो है आपका 80 होगा। तो 16 के बाद 18, उसके बाद 20 हो गया। तो अब इसको हम उसी तरह सजाएंगे जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पहले आपको जो बताया है उसी प्रकार से हम उसको। तो पहले यहाँ हम इकाई स्थान को 2 लिखेंगे, फिर इसके इकाई को लिख देंगे, फिर आपका 4 लिख देंगे, फिर इसके बाद ये आपका 16 को लिख देंगे, 16 को लिख देंगे। चलिए उसके बाद जो है हम आपको 6 को लिखेंगे, और यहाँ जो है 24 को लिखेंगे जी। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से जो है आपका बढ़ते हुए आगे जाएगा। इसके बाद जो है आपको 8 का लिखेंगे, और ये 32 को लिखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 2 डिजिट मेन जो है यहाँ प्रॉब्लम होता है, यहीं पे आपको अंडरस्टैंड करना, समझना है। यहाँ 0 को लिखेंगे, और 40 में 1 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ 41 हो जाएगा। फिर ये 2 इकाई है,
48 और एक को ऐड करेंगे 49 हो जाएगा, फिर आपको 4 हो जाएगा, 56 और एक को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 60 और 1 को ऐड करेंगे 61 हो जाएगा, फिर ये आपका 8 हो गया, 64 और एक को ऐड करेंगे 65 हो गया, फिर आपका 0 हो गया, 80 दो को ऐड करेंगे 82। इस प्रकार से मेरा 82 का जो है टेबल कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं, मैं और एक बता देता हूँ, मैं आपको 93 का टेबल बता देता हूँ, 90 वाला पर्सन में बता देता हूँ। तो यहाँ भी वही काम करना है, 9 का पहले जो है टेबल लिख लेना है, 36 45 54 63 72 81 90, ये तो हर कोई आसानी से लिख सकता है। उसके बाद 3 का टेबल लिखेंगे, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और ये हुआ 30। अब इसको हमको वही प्रोसेस करना है जैसे मैं आपको बताया हूँ, 3 1 डिजिट है तो इकाई के दोनों के इकाई स्थान को लिख देना है, 6 18 यहाँ भी 9 हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 डिजिट, यहाँ ही थोड़ा बस आपको समझना है, 2 लिख देंगे और जो दहाई है ना इसको इसके साथ पूरी अंक के साथ ऐड करेंगे, तो 36 और एक कितना हो जाएगा 37, फिर आपका 5 हो गया, 45 में एक ऐड कर देंगे 46, फिर आपका 8 हो गया, 54 में एक ऐड कर देंगे 55, फिर आपका 1 हुआ, 63 में 2 ऐड करेंगे 65, फिर आपका 4 हुआ, 72 2 74, फिर आपका 7 हुआ, 81 में 2 ऐड करेंगे 83, ये 0 90 और 3 93। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है मेथड समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से 1 से 100 तक का जो है टेबल लिख सकते हैं और लाइफ में आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे इस मेथड से। तो प्लीज आपको यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने घर के जितने भी आपके मेंबर हैं, छोटे बच्चे हैं, उसको भी प्लीज ये मेथड जरूर बताएं ताकि वे आसानी से टेबल को कंठस्थ कर ले, कहीं भी लिखने में उनको कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मात्र 10 मिनट मैं आपको 1 to 100 का टेबल आसानी से आप लिख लेंगे। तो आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, इसी तरह मैं कुछ और महत्वपूर्ण वीडियो में आपके साथ लेकर आऊँगा। एक्चुअली जो टेबल है संख्याओं का खेल है, संख्याओं का जोड़ घटाओ से ही जितना है आपका सभी मैथ का निर्माण होता है। तो सभी को पुनः एक बार धन्यवाद।